आज भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त पर कांग्रेस भी 400 सीटें जीत चुकी है। पहली बार सत्ता में आई अटल बिहारी सरकार क्यों सिर्फ 13 दिन ही चल पाई थी? इंदिरा गांधी से क्यों नाराज हो गई थी देश की जनता? और कैसे एक वक्त पर कांग्रेस जीत की हैट्रिक लगा चुकी है? इतिहास के सियासी बस्ते से आज हम ऐसे ही कुछ दिलचस्प जानकारियां आपके लिए निकाल कर लाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत आजाद तो साल 1947 में हुआ था, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से भारत को पहला प्रधानमंत्री साल 1951-52 में मिला था, और वहीं से शुरू हुआ था आजाद भारत में आम चुनाव का सुनहरा सफर, जो अब तक बदस्तूर जारी है। देश के लोकसभा चुनाव में अब तक कुल 17 पड़ाव आ चुके हैं। सरकारें आती जाती रहीं, कुछ सरकारें रिपीट हुईं, तो कुछ सरकारें एक वोट की कमी से गिर गईं। वहीं एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहां आज तक कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। भारत से बराबरी तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके अपने लोग अपने ही देश को खोखला करने में लगे हैं, जबकि भारत में एक बार फिर से इतिहास बनने जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी इस बार जीत की हैट्रिक लगा सकती है, चुनाव में 400 सीटें पार कर सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी ने 400 का आंकड़ा पार करने का दावा किया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन वाले मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का सपना भी देख रहे हैं। राहुल गांधी देश भर में पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई साइकिल पर सवार है तो कोई लालटेन लेकर सियासी जमीन तलाश रहा है, कोई तीर धनुष लेकर अपनी ही पार्टी के टुकड़े कर चुका है, कोई घड़ी हाथ में लिए अच्छे दिनों का इंतजार कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द यानी 4 जून को ये साफ हो जाएगा कि इस बार किसके अच्छे दिन आएंगे और किसके बुरे। खैर, आज हम आपको आजादी के बाद से अब तक हुए लोकसभा चुनाव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें अभी तक कुल 17 पड़ाव आ चुके हैं। इस दौरान देश की सियासत और जनता ने क्या क्या देखा है, वो किसी रोमांच से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं देश का सबसे पहला चुनाव कब हुआ। साल 1951-52 में हुए सबसे पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। पहले आम चुनाव में वामपंथी और समाजवादी विचार वाली पार्टियों के पास भी काफी सीटें थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटें, कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी 9 सीटें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। जनसंघ वही पार्टी है जिसे आज बीजेपी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। 1997 में दूसरी बार लोकसभा चुनाव हुए तो एक बार फिर कांग्रेस को बहुमत मिला। नेहरू दूसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 33 सीटें मिली। सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय से बनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीटें मिली, तो वही जनसंघ ने दुगनी सीटें कर ली। अम्बेडकर की ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भी 6 सीटें मिली। कांग्रेस ने लगाई जीत की हैट्रिक। साल 1962 में तीसरी बार हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की सत्ता वापसी हुई। इस वक्त तक पार्टी में आपसी मतभेद गहरा चुके थे। राम मनोहर लोहिया ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी और उनके समर्थकों ने सोशलिस्ट पार्टी के तहत चुनाव लड़ा। इसी तरह दक्षिणपंथी गुटों ने स्वतंत्र पार्टी के तहत चुनाव लड़ा और कुछ सीटें जीती। साल 1964 में बीमारी के चलते पंडित नेहरू की मौत हो गई। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने, लेकिन 18 महीने बाद ही सोवियत संघ के ताशकंद में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद हुए आम चुनाव में कांग्रेस फिर से जीती, लेकिन इस बार भारी बहुमत नहीं मिला था। स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ 79 सीटें जीतने में कामयाब रहे। वामपंथी और समाजवादियों ने 83 सीटें जीती, जबकि रीजनल पार्टी डीएमके और अकाली दल ने 28 सीटें जीती। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के और टुकड़े हो गए। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कुछ लोगों ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली। '71 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी खड़ी हुई और जबरदस्त जीत दर्ज की। तब पहली बार विधानसभा चुनाव लोकसभा से अलग हुए थे। 1969 में इंदिरा को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन पार्टी के ज्यादातर सांसद उनके साथ थे
और चुनाव आयोग ने उनके गुट कांग्रेस आर को पिछली पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। इंदिरा का गरीबी हटाओ अभियान काफी सफल रहा और स्वतंत्र पार्टी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद पहली बार बनी गैर कांग्रेसी सरकार। इंदिरा गांधी ने साल 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी गई। इसका असर 1977 में हुए आम चुनाव में दिखा। इस बार कांग्रेस विरोधी दलों ने हाथ मिलाकर जनता पार्टी बनाई और चौधरी चरण सिंह भारतीय लोक दल के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी और मुरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी हुई। मुरारजी देसाई की सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई। उनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। इस दौरान जनता पार्टी में भी दरार पड़ गई। 1979 में चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस गुट ने जनसंघ के अपने पुराने साथियों के साथ अपना हाथ खींच लिया। मुरारजी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और इंदिरा जोरदार जीत के साथ लौटी। उसके बाद पहले बार कांग्रेस ने किया 400 पार। साल 1984 में इंदिरा गांधी की दर्दनाक हत्या के बाद देश में कांग्रेस के लिए हमदर्दी थी। अगले ही आम चुनाव में कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटें जीती। ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। जनसंघ के उत्तराधिकारी यानी भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। सभी विपक्षी दलों का लगभग सफाया हो गया था। तब एनटी रामा राव की टीडीपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। '89 के आम चुनाव में कांग्रेस को कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। बोफोर्स कांड, पंजाब में बढ़ता आतंकवाद और श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों को पनपने देना मुख्य चुनावी मुद्दे थे, जिसमें राजीव फेल हो चुके थे। समाजवादी एक बार फिर इकट्ठा हुए, लेकिन 143 सीटें ही मिली। वीपी सिंह ने भाजपा और वामपंथियों के बाहरी समर्थन से सरकार बना ली थी, लेकिन एक साल में ही चंद्रशेखर गुट अलग हो गया और कांग्रेस ने बाहरी समर्थन से सरकार बना ली। उसके बाद अब देखिए कैसे बिना बहुमत के 5 साल चली नरसिम्हा राव सरकार। 1991 में फिर कांग्रेस बहुमत से चूक गई, लेकिन फिर भी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनी, जिसने बिना बहुमत के 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। फिर भी राव ने लिबरलाइजेशन और फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट पर काम किया। उनके कार्यकाल में कई बड़े घोटाले चर्चा में रहे, तो वहीं बाबरी मस्जिद ढा दी गई। '96 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सरकार बनकर उभरी। पार्टी को सरकार बनाने का बुलावा भेजा गया, लेकिन उन्हें सहयोगी नहीं मिले और इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही चल पाई। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश के, देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन जनता दल को बाहर से समर्थन दे दिया। जून 1996 में एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन ज्यादा लंबे टिक नहीं पाए। मुश्किल से एक साल उनकी सरकार चली। उनके बाद आईके गुजराल आए, लेकिन वो भी नहीं टिक पाए। 1998 में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों ने बड़ी भूमिका निभाई। वाजपेयी ने 13 दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन फिर उनकी सरकार गिर गई। 13 महीने बाद AIADMK ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सिर्फ 1 वोट से अटल जी विश्वास प्रस्ताव हार गए। लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में वाजपेयी जी वो कर गए जिसने देश को परमाणु शक्ति बना दिया। 1999 में एक साल बाद फिर से चुनाव हुए। कई सालों बाद देश को स्थिर सरकार मिली। बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जबकि क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस से भी अच्छा प्रदर्शन किया। वाजपेयी की एनडीए सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली भारत की पहली गठबंधन सरकार बन गई।
एनडीए गठबंधन की पहली सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा था, लेकिन 2003 के अंत में तीन उत्तरी राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद भाजपा ने समय से पहले लोकसभा भंग करने की मांग की। माना जा रहा था कि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कोई स्पष्ट सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही थी, लेकिन पार्टी का इंडिया शाइनिंग अभियान वोटर्स को लुभाने में सफल न हो सका। देश में फिर बड़ा बदलाव हुआ और यूपीए गठबंधन के साथ कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लाख कोशिशों के बाद भी 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी देश की जनता के मन में अपनी जगह नहीं बना पाई। कांग्रेस की गठबंधन सरकार की फिर वापसी हुई, फिर से मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया। काफी हद तक यूपीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। मनमोहन सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक से बढ़कर एक स्कैम सामने आए। बीजेपी ने देश में भ्रष्टाचार और महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। तब तक गुजरात मॉडल काफी चर्चा में आ चुका था। देश में मोदी लहर उठी और कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भुनाने में सफल रही। 1984 के बाद पहली बार कोई पार्टी अकेले बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बन गई। देश पर लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट कर रह गई, जो पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। 5 साल बाद फिर चुनाव हुए और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहले से भी बड़ी जीत दर्ज की और अब एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का दावा कर रहे हैं, जिसके काफी हद तक संकेत भी मिल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो फिलहाल की खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।